एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ मेकअप कर सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, अभी जैसा कि अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, इस समय क्या होता है ना, मेकअप में बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस आ जाती है। क्योंकि स्किन भी वैसे ही चिपचिपी ग्रीसीनेस रहती है और मेकअप करने के बाद मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं करता है, स्लिप कर जाता है मेकअप। तो वैसे भी हम कैसे मेकअप करें जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे, वाटर प्रूफ हो, स्वेट प्रूफ हो एंड ट्रांसफर प्रूफ हो। तो आज का हम टॉपिक यही रहेगा, ट्रांसफर प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ मेकअप आप कैसे कर सकती हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कैसे करना है आपको, डेली बेसिस पे कैसे कर सकते हो, फेस्टिवल में कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बेस मेकअप टू आई मेकअप सिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है, और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फेस को क्लीन कर लेना है क्लींजर से, उसके बाद आइस क्यूब लेनी है और पूरे फेस पे आपको रब करना है। ये प्रोसेस आपको 1 से 2 मिनट तक आपको करनी है। इससे होगा क्या, स्किन टाइटनअप हो जाएगी और पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, आपका मेकअप फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके बाद इसे वाइप नहीं करना, आपको नेचुरली ड्राई होने देना है। उसके बाद लिप को मॉइस्चराइज करेंगे, क्योंकि लिपस्टिक हम लोग सबसे लास्ट में लगाते हैं, लिप बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए हम लोग पहले लिप बाम लगाते हैं। उसके बाद आपको टोनर लगानी है। टोनर जब लगाएंगे ना, तो फिंगर से डैब डैब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आपको डैब डैब नहीं करना है, इसे भी आपको नेचुरली फेस पे पेनिट्रेट होने देना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। बात है मॉनसून की, तो मॉइस्चराइजर बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लगानी है, ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। और जितने भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे ना, क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि वेदर है मॉनसून का, इसमें आपको मेकअप करना है तो लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम लेना है। मॉइस्चराइजिंग कर ली है, उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर आपको कभी भी स्कीप नहीं करना है, अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, फ्लॉलेस चाहिए, तो प्राइमर आपको कभी भी स्कीप नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, तो उसे कवर कीजिए, उसको इवन कीजिए। तो मेरे माउथ के अराउंड थोड़े पिगमेंटेशन है, तो मैं यहाँ पे कलर करेक्शन यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से आपको ब्लेंड करनी है। फिर फाउंडेशन लेना है, फाउंडेशन ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, 1 पंप लेना है और अपने स्किन टोन का ही लेना है। ब्रश के हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उतना अच्छा आपका मेकअप डिफाइन करेगा, फ्लॉलेस होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके बाद नेक पे भी अप्लाई करना है, कहीं पे भी आपको स्कीप नहीं करना, ओके। उसके बाद लाइट कंसीलर लेंगे और एरिया को हाईलाइट करेंगे, फॉरहेड पे लगाना है, नोज़ पे लगाना है, चिन पे लगानी है। अच्छे से लगाने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करनी है प्रॉपरली, और प्रोडक्ट को ज़्यादा फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे अप्लाई किए हो बस वहीं पे आपको ब्लेंडिंग करना होता है। उसके बाद पाउडर सेटिंग करेंगे। पाउडर सेटिंग करने से क्या होता है ना, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, फ्लॉलेस होता है, तो कभी भी आपको स्कीप नहीं करना है, पाउडर सेटिंग अच्छे से करनी है। अच्छे से जब सेट कर लोगे पफ से, तो उसके बाद जो क्या करना है, एक फ्लॉपी ब्रश लेनी है, और जितने भी एक्स्ट्रा है ना, वो आपको डस्ट ऑफ करनी है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, उस तरीके से आपको भी करनी है, इससे आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस होगा। उसके बाद कॉन्टोरिंग करनी। कॉन्टोरिंग मैं चीन पे कर रही हूँ, चिक पे कर रही हूँ, आपको अगर थोड़ा और आपको डिफाइन करना है तो फोरहेड पर भी अच्छे से आप कर सकते हो इस तरीके से। और जब भी आप इसे ब्लेंडिंग करो ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ, यू कैन सी, आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको करना होता है। उसके बाद ब्लशर लगानी है, इस तरह से राउंड राउंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो वो चबी लुक चाहिए, तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर ब्लशर ज़्यादा लग जाता है तो क्या करना है, एक ब्रश लेनी है और अच्छे से ब्लेंडिंग करना होता है, अच्छे से आपको लगानी है, इस तरीके से राउंड राउंड करके आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करना होता है। ब्रश की हेल्प से ही करें तो बहुत ही अच्छा ब्लशर अप्लाई होता है। उसके बाद हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर के लिए भी राउंड ब्रश यूज़ करनी, उसे बहुत ही परफेक्ट लगता है, आप फैन ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं। तो अच्छे से मैं लगाऊंगी चिक पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे, अच्छे से पेंट करूंगी, इससे एरिया बहुत अच्छा हाईलाइट करता है और
स्किन जो है बहुत अच्छी शाइन करती है। तो इस तरीके से हाईलाइट कर लेनी है आपको। उसके बाद आईब्रो को डिफाइन करेंगे, तो आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर का पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेकअप फिक्सर लेना और आपको स्प्रे करनी, इससे आपका बेस जो है वो फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टाइम। उसके बाद लिपस्टिक लगानी है, लिपस्टिक मैं यहाँ पे न्यूड कलर का लगा रही हूँ। ओके, आप चाहें तो डार्क भी लगा सकती हैं। यहाँ तक जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये डेली बेसिस पे आप कर सकती हैं। उसके बाद आपको आई मेकअप करना, आई मेकअप के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से राउंड राउंड अच्छे से अप्लाई करनी है पूरे आई लीड पे। फिर ट्रांजिशन शेड लेना है, यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का ले रही हूँ। पूरे आई लीड पे आपको अच्छे से ब्लेंड करना होता है, यू कैन सी, आप देख सकते हो बहुत ही न्यूड सा है। उसके बाद लेना है डार्क कलर, डार्क यहाँ पे पिंक लेना है, डार्क पिंक लेंगे और आईज के आउटर कॉर्नर पे आपको अप्लाई करनी है। और जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा आपका आई मेकअप डिफाइन करेगा, उतना अच्छा ब्यूटीफुल लुक देगा। तो अच्छे से प्रॉपरली आपको इस तरीके से ब्लेंड करनी है आईज़ के आउटर कॉर्नर पे। ये बात का ध्यान रखें कि आईज़ के आउटर कॉर्नर पे हमेशा डार्क होता है, इनर कॉर्नर पे लाइट होता है। फिर आपको लाइट लेना है पिंक कलर का मैट आई शेडो, जो मिड पे लगानी है और अच्छे से ब्लेंड करना है। प्रॉपरली ब्लेंडिंग हो जाए उसके बाद आपको लेना सिल्वर कलर का सीमर मैट आई शेडो, ये आपको आईज़ के इनर कॉर्नर पे अप्लाई करनी है। देन अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है। पहले अप्लाई करेंगे, कोई हार्श लाइन नहीं दिखे उसके लिए हम ब्लेंडिंग भी करेंगे। तो पहले अप्लाई कर लेते, फिर फिंगर टच तो करना ही होता है, उससे बहुत अच्छा डिफाइन करता है। उसके बाद आपको लगाना है लाइनर, फिर पिंक कलर का जो मैट आई शेडो था डार्क कलर का, वो आईज़ के लोअर लैश पे लगा कर स्मच करेंगे। अच्छे से आपको इस तरीके से स्मच करना है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। उसके बाद जो इनर कॉर्नर पे आपको सीमर लेना है और इस तरीके से अप्लाई करना है, लोअर लैश लाइन पे स्मच करना है। उसके बाद आईब्रो को फिर से मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ, उसे मैं सिर्फ कॉम की थी, अभी मैं फिल कर रही हूँ। वो डेली बेसिस पे था, तो ज़रूरी नहीं है कि डेली आप आईब्रो को डिफाइन करें। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए, कोई पार्टी के लिए, कोई फंक्शन के लिए, ओकेजन के लिए कर रही है, तो अच्छे से आप आईब्रो को डिफाइन कर सकती हैं। उसके बाद आईबोन को मैं अच्छे से हाईलाइट करूँगी, इनर कॉर्नर को और आईबोन को, ठीक है। आईब्रो बोन को मैंने अच्छे से डिफाइन कर लिया, अच्छे से हाईलाइट कर लिया। उसके बाद मस्करा लगानी है। बात ये ध्यान रखें कि जब भी मस्करा लगाए तो मेकअप फिक्सर उससे पहले लगाए, ठीक है। यू कैन सी, आप देख सकते हो मेकअप कितना फ्लॉलेस हुआ है और ये मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग हुआ है। ये क्रिएट कीजिए, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप लाइक दिस वीडियो, देन लाइक शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।